नमस्कार, मैं रूप किशोर राजपूत विशाल नारायण शर्मा जी के साथ। आइए ले चलते हैं आवास विकास कॉलोनी में, जहां विशाल हनुमान जी का भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आज हम आए हुए आवास विकास कॉलोनी, पत्रकार विशाल नारायण शर्मा की रिपोर्ट देते हैं। और आप देख सकते हैं ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आवास विकास के सभी भक्तजनों ने मिलकर भंडारे को किया है। और आप देख सकते हैं कि ये भंडारा हर तीज त्यौहार पे यहाँ पर यहाँ के भक्तजन करते चले आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं आवास विकास का भंडारा चल रहा है। और समय समय पर ये भंडारा किस संबंध में आयोजित किया गया है? ये हमारी एक आंटी जी हैं, कपला आंटी जी, उनकी आज शादी की एनिवर्सरी थी। अगर शादी की वर्षगांठ थी वर्षगांठ में, तो उपलक्ष्य में ये भगवान हनुमान जी का जो भंडारा है और समय समय पर वैसे भंडारे यहाँ होती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो कपला आंटी जी की शादी की सालगिरह है जी जी, तो कहाँ है उनसे मुलाकात कराई हमारी? बिल्कुल बैठी हुई वर्षगांठ भी लोगों को प्रसाद वितरण कराने के साथ साथ एक विशाल भंडारे का आयोजन कराया हमारे भी। मैम, मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने एक शुरुआत की है, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो बहुत बढ़िया, जो हम दोनों में देते थे उससे ज्यादा बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर आपके सहयोग के रूप में कौन कौन मौजूद है? सहयोग हमें नाम बताइए। ममता भाभी है, मेहता भाभी है, नीता है, कपला भाभी है, कपला है, और सभी आवास विकास कॉलोनी के जो भक्तजन है उसके नाम बताइए, जो जिन लोगों ने सहयोग किया है। सहयोग आपके खड़े हैं, कोई हम साथ है, हम चार पांच जने जा रहे हैं। आप आपका नाम? मेरा नाम ममता अग्रवाल। ममता अग्रवाल जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, लोग शादी की वर्षा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और आपने ये धार्मिक आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने आयोजन किया, हमने इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी इस वजह। तो ये जो आप भंडारा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और जी परंपरा जो डाली जा रही है धार्मिक, वो भी अच्छा लग रहा है। नहीं, लोग तमाम तरीके के आयोजन कराते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आज जो सभी को प्रसाद मिल रहा है, कैसा? ये बहुत अच्छा है, फालतू पैसा खर्च करने से ये अच्छा है। फालतू पैसा खर्च करने, आप भी आगे आइए जी। प्रतिमा जैन जी, सबसे बड़ी बात तो ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से न्यू जनरेशन, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा भाग रही है, उसको अपने संस्कार से थोड़ा कम, हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं कि हमें आगे अपने बच्चों को क्या, अपने संस्कृति क्या देनी है उनको। अगर हम चाहेंगे तो उन्हें है ना इंग्लिश मीडियम में डालें, हिंदी मीडियम में डालें, ये तो हमारे ऊपर है ना, हम कैसे बच्चों को संस्कार देने हैं हमें जी। नहीं, अगर हम इसे हमें ना उनको नहीं सिखाएंगे धर्म वगैरह, तो उन्हें क्या पता चलेगी कि हम हमारी संस्कृति क्या थी और किस तरीके से है ना आगे तुम लोगों को चलानी है। तो इस चीज़ के लिए हमें उनको प्रोत्साहित करना है बच्चों को, तो कहीं ना कहीं बढ़ावा देना है। बिल्कुल बिल्कुल, सनातन धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? आंटी, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, अभी आप कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये भंडारा जो शादी की वर्षगांठ के रूप में कपला गुप्ता जी की शादी की वर्षगांठ है, तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ये जो जनरेशन गैप आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना, मंदिर की स्थापना दिवस हुई थी ना, हाँ, कराया था 17 तारीख को। 17 तारीख को, हाँ, अभी स्थापना दिवस हुई थी मंदिर का हमने। अच्छा, एक बात बताना चाहूँगा, अभी संक्रांत आने वाली है, संक्रांत पे आपके यहाँ रेवड़ी का वितरण होता है? मैंने खिचड़ी वितरण भी होगा, तो ये सब आवास विकास कमेटी का मंदिर की स्थापना कर रही है, और मंदिर का जो भी करते हैं, जो भी हम चार पांच लोग हैं वही करते हैं, चार पांच लोग। देखिए, आप देख सकते हैं इस भंडारे का आयोजन, आप देख सकते हैं कि शादी के वर्षगांठ का ये भंडारा है, लोग तमाम रुपया खर्च करते हैं अनाप शराब, और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है कि सनातनी धर्म संस्कृति के अनुसार उस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये हम आवास विकास कॉलोनी में खड़े हुए हैं शास्त्री के क्षेत्र में, और आप देख सकते हैं ये भंडारे का आयोजन है। कैमरामैन मोहित नागर के साथ मैं विशाल नारायण शर्मा। वर्षगांठ भी
लोगों को प्रसाद वितरण कराने के साथ साथ एक विशाल भंडारे का आयोजन कराया है। हमारे भी मैम, मैं पूछना चाहूँगा ये जो आपने एक शुरुआत की है कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है आज तो, बहुत बढ़िया तो खाते हुए देखते बहुत तो सब लोगों को खाते हो जो हम दोनों में देते थे उससे ज़्यादा बढ़िया आज बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर आपके सहयोग के रूप में कौन कौन मौजूद है? सहयोगी ग्रुप नाम बताइए। ममता भाभी है, मेहता भाभी है, नीता है, कपड़ा भाजी है, कपड़ा है और सभी आवास विकास के जो भक्तजन हैं सबके नाम बताइए जो जिन लोगों ने सहयोग किया है। सहयोग आपके खड़े हैं कोई हम साथ है। हम चार पांच जने ज्यादा हैं। आप आपका नाम? मेरा नाम ममता अग्रवाल। ममता अग्रवाल जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, लोग शादी की वर्षा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और आपने ये धार्मिक आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने आयोजन किया, हमने इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी इस संयोग में हमने आयोजन किया है। तो आप दोनों सहेली हैं? हाँ जी सहेली है। कितने वर्षों का संयोग आपका? हमारा आज 25 साल हो गए हम लोगों को। तो सिल्वर जुबली तो आपने मनाई थी? है नहीं सिल्वर तो मनाई लिया नहीं मना, हाँ मनाई थी। आज आज ये सिल्वर जुबली है? हाँ नहीं 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 41 में है, 42 आएंगे। ये 42 वर्ष है? हाँ देखिए 42 वर्ष में भी देखिए हमारी धार्मिक संस्कृति में भंडारे को बड़ा ही प्रमुख स्थान दिया गया है क्योंकि ईश्वर का उसमें हाथ लगता है, वो ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद वो प्रसाद सभी वितरण किया जाता है। तो और भी आपके साथ हैं, आपका नाम रुचि गुप्ता जी, कैसी पहल लग रही है आपको? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप भी ऐसे ही करेंगे? हाँ सोचेंगे आगे जी, हाँ सोचेंगे आगे। देखिए ये हमारे धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, भंडारा जो है ये सनातन धर्म का है। तो अब जो पश्चिमी संस्कृति जो हावी हो रही है, जो जो जनरेशन गैप है वो उसके को देखते हुए आपको कैसा लग रहा है? हमारे आप भी पंडित आपका नाम? मधु शर्मा जी। तो ये जो आप भंडारा हो रहा है क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो परंपरा जो डाली जा रही है धार्मिक, नहीं लोग तमाम तरीके का आयोजन कराते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आज जो सभी को प्रसाद मिल रहा है कैसा? ये बहुत अच्छा है, पैसा खर्च करने से ये अच्छा है।